The court in Uttar Pradesh's Varanasi has ordered that a pond in the Gyanvapi mosque complex be sealed amidst reports that a shivling has been found in it. The court mandated three-day videography survey of the Gyanvapi Masjid complex in Varanasi ended today, a day before the next hearing of the case in court. The last day of filming began this morning amidst tight security and restrictions near the complex. Water was drained from the pond this morning and a shivling was found, is what a lawyer representing a group of Hindu women who have sought year-long access to pray at the shrine behind the mosque have claimed. सर आज क्या क्या देखा आप लोगों ने वहाँ पर और फिर आप लोग कोर्ट क्यों गए? आज जो हम लोगों ने देखा जो तालाब था जहाँ वो वजू करते हैं उसमें हम लोगों को संदेश है, इसलिए हम लोग आपत्ति लगाई थी कल कि ये पानी को हटवाया जाए, हटवाने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। पानी हटवाया गया तो वहाँ एक शिवलिंग पाया गया जिसकी सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया और माननीय न्यायालय इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उस शिवलिंग की सुरक्षा के संदर्भ में उस शिवलिंग उस एरिया को सीज कर दिया है। तो जब आप लोगों ने पानी हटाने की बात की तो क्या आज जो पानी हटाएगा मुस्लिम पक्ष ने पूरा सहयोग किया? बिल्कुल सहयोग करना है, न्यायालय का आदेश है, कराना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। पानी हट गया, उन लोगों ने कहा कि फवारा है, लेकिन आज जब पानी हटा तो वो शिवलिंग के आकार का एक जो काले पत्थर का जिसको ही मैं आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मानता हूँ वही आज जो है दर्शन हुआ। सर ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो प्रोसीडिंग्स थी वो पहले बाहर बोल दी मीडिया में जो कि कॉन्टेम्प्ट है कोर्ट का, कि कोर्ट ने कहा था कि सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने रखा जाएगा। साक्ष्यों पे कहीं किसी ने कोई डिस्क्लोज नहीं किया है। अब ये है कि भाई ठीक है, सामान्य बात तो होता है। आप लोग तो वकील हैं, आप ऐसा बोले हैं क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि सील बंद लिफाफे में आप 17 तारीख को जमा करिए, आपने आज बाहर बोल दिया। कोई अधिवक्ता नहीं, किसी ने कहा है कि जो है, अब ऐसे लोग कहते रहे उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये है कि वास्तव में जो पाए गए शख्स उसकी चर्चा अभी कहीं किसी ने नहीं किया है। तो आप तो कोर्ट में कराए उसकी चर्चा, आप तो बोल रहे हैं वहाँ शिवलिंग में कोर्ट ने आदेश कर दिया कि शिवलिंग को किया जाए, हमारे आदेश में माननीय न्यायालय के, तब मैं बोल रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, अब कल क्या होगा जब कोर्ट में जब रिपोर्ट दाखिल होगी? तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो इस ऑर्डर को क्वाश करने के लिए कोर्ट जाएंगे। क्या स्वतंत्र हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे तमाम न्यायालय ऊपर की न्यायालय पड़ी हुई हैं, वो जा सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन अब अधिवक्ता कमिश्नर कर अपना जो है रिपोर्ट पेश करें, उसके बाद की कार्रवाई हम लोगों का जो है। अजय जी अगर आप कुछ पूछना चाहें। नहीं तो जैसे ये कहा जा रहा है कि आप भी अभी आपने बताया और उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है, उसे बीच में छेद है, इस तरीके की दलील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि फव्वारा है, लेकिन प्रश्न हम लोगों को भी दिमाग में आया कि फव्वारा है तो फव्वारा पानी के अंदर कैसा फव्वारा? फव्वारा हमेशा पानी के बाहर होता है पानी फेंकने के लिए, पानी के अंदर फव्वारा, तो इसलिए हम लोगों को संदेह हुआ कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है, इसके नीचे राज है। तब हम लोगों ने कल आपत्ति लगाई कि भाई इसको हटवाया जाए इस पानी को, और फिर इसको जो है तो हटवाया गया तो वहाँ बहुत बड़ा काले पत्थर जो शिवलिंग है वो उसकी आंखों से देखा आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल देखा गया। किसमें अभयनाथ यादव जी ये कह रहे हैं कि हमको बिना कुछ दिए हुए, हमारे पास कोई, उन्होंने जो एप्लीकेशन मूव की मुझे नहीं अब सर्व कराया गया, अब ये न्यायालय से समझा तो उसको नोटिस सर्व नहीं किया गया है। वो हमारी आपत्ति, हमारा प्रार्थना पत्र जो हम लोगों ने लगाया माननीय न्यायालय में कि भाई इसको सुरक्षा के लिए इसको सीज किया जाए, वो न्यायालय का अधिकार, न्यायालय से पूछें कि भाई आपने हमको क्यों नहीं नोटिस जारी किया। तो एक 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 आप बहुत गणमान्य वकील हैं, एक एक चीज़ सिर्फ जानना चाहते हैं कि कोर्ट जो कमिश्नर था आप लोग कह रहे थे गोपनीय है, उसके पहले इस तरीके से क्या अदालत में जा सकते हैं, ऐसी प्रोसीडिंग होती है? हम लोगों ने भाई हम लोगों को देखिए जो भी पाया गया, हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से मांग की कि लोग आएंगे वजू करेंगे, उस सबूत साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग तो हो चुकी थी ना, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और इस संदर्भ, अरे भाई अब कोई कर ही देगा तो आप क्या कर लेंगे, इसलिए हम लोगों को संदेश था। हम लोग न्यायालय के समक्ष हम लोग गए, न्यायालय ने भी हमारी गंभीरता को देखते हुए, चूंकि प्रभाव यह मामला सेंसिटिव है, पूरा देश प्रभावित हो सकता है अगर उसमें छेड़छाड़ होगा, इसलिए न्यायालय ने भी हमारी गंभीरता को देखते हुए समझते हुए आदेश कर दिया। वजू खाना जिस तरह की बात करें कितना बड़ा है और कितना गहरा है? लगभग 25 से 30 फीट चौड़ा, लंबाई चौड़ाई इसकी होगी, और कुआं आकृति है जो 4-4.5 फीट जिसकी परिधि व्यास जो है उसका है, और जो पाया गया काले रंग का जो जिसको हम शिवलिंग ही हमारा है वो भी लगभग 3 फीट ऊंचाई में है। आई हैव जॉइंड बाय लॉयर ऑफ मुस्लिम साइड एंड दे हैव डिफरेंट क्लेम देन द हिंदू साइड, विल अंडरस्टैंड दिस क्लेम। सर आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद खान है, मैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद बनारस का नंबर सब अधिवक्ताओं में एक अधिवक्ता हूँ। सर हिंदू पक्ष का कहना है कि वजू खाने में आज सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है, क्या
इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नो, वो शिवलिंग है ही नहीं, असल में वो फुहारा था, फुहारे को निकालने के लिए टेक्निक अपनाई जाती है, वो उसी टेक्निक का एक पार्ट है, कतई वो शिवलिंग नहीं है। आप कह रहे हैं वो फुहारा है? फुहारा है, लेकिन हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि वो शिवलिंग है और वो कोर्ट में भी चले गए इस बात। नहीं, अब उनको उनका नजरिया बता रहे हैं, जो एक्चुअली जो है वो फुहारा है, उसके अगल बगल टोटियां पानी की लगी हुई हैं और उसमें से पानी निकालने के लिए उसमें छेद भी है, वो फुहारे को प्रफुल्लित करने के लिए वो टेक्निक इस्तेमाल की गई है, उसको आप शिवलिंग कह रहे हैं वो गलत है। वो गलत कह रहे हैं। तो आज इस बात को लेकर के कोर्ट ने ऑर्डर भी पास कर दिया शिवलिंग को लेकर के, तो क्या आप लोगों की को बुलाया कोर्ट ने ऑर्डर पास करते वक्त, क्या आपको नोटिस दिया गया? मैं बता दूं, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट का ऑर्डर का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एज ए अधिवक्ता आज का पारित आदेश अगेंस्ट द प्रोसीजर, अगेंस्ट द लॉ, बायस ऑर्डर है। इस अगर वादी पक्ष की तरफ से कोई अप्लीकेशन पड़ा था तो उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थी। प्रोसीजर ये है कि अगर बिना तारीख के कोई अप्लीकेशन पड़ता है तो उसकी सुनवाई के लिए 2 बजे जो पेशी होती है उसमें रखा जाता है, और ऐसा कुछ नहीं किया गया, ना उस प्रोसीजर को अपनाया किया गया, ना हमें कॉपी देने के लिए कहा गया। चैम्बर में सुन के एक पक्षी रूप से आदेश पारित कर दिया गया, ये ऑर्डर अगेंस्ट द प्रोसीजर है, अगेंस्ट द लॉ है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भी सुना जाना चाहिए था? यस yes, ये नेचुरल जस्टिस तभी होती है जब दोनों पक्ष को सुनवाई का मौका दिया जाए और प्रॉपर रूप से सुना जाए। ये नेचुरल, जिसने कहा ना मुझे मौका दिया गया ना मुझे सुना गया, तो कहाँ नेचुरल जस्टिस है? तो अब आप लोग क्या करेंगे, व्हाट इज योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नाउ? अब आज ऑर्डर आया है, हमारा पैनल और इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी बैठेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, जो रिलीफ हमें लीगल होगी हम उसको अवेल करेंगे। इसके बारे में अभी कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते। पर आपको लग रहा है कि ऑर्डर बायस्ड है? बायस्ड है, कम्प्लीटली बायस्ड है। अच्छा, तो हिंदू पक्ष की जो दलील है कि वो वहाँ पर शिवलिंग है, आपको कह रहे हैं कि वहाँ फवारा है? नो, फवारे का वो फवारा निकालने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है वो उसकी टेक्निक। तो वहाँ उन्होंने बोला कि शिवलिंग है, तो आप लोगों ने इस बात को रखा कोर्ट कमिश्नर के सामने? कमिश्नर की आपत्ति दर्ज कराई गई कि नहीं साहब, ये शिवलिंग नहीं है, इसको गलत तरीके पर शिवलिंग, वो आपत्ति दर्ज है। खूबसूरती लाने के लिए जो वहाँ वजू खाना है, वहाँ खूबसूरती लाने के लिए बना हुआ है, इसे पाइप भी है, छड़ी एक तिनका डाल के देखा भी गया, उसमें पाइप लगी हुई भी है, अंदर सड़ गई है पाइप, जिसको प्रशासन ने अभी मरम्मत करने के लिए परमिशन नहीं दिया था। अभी उस पर जो चीज है किसी एक्सपर्ट से उसको जांच कराई जाए, उसकी उसकी आयु क्या है, वो कब का बना है, ये सारी चीज अभी हुई नहीं। जो बात सब रिकॉर्ड तो कर ली गई है सब? हाँ, रिकॉर्ड है। तो आप कह रहे हैं कि सब हुआ नहीं, लेकिन ये हिंदू पक्ष ने आके बाहर बोल दिया? किसी चीज को रिकॉर्ड कर लेना कैमरे से और कह देना कि ये है, तो ये तो कोई एक्सपर्टाइजेशन तो हुआ नहीं। किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाए और एक्सपर्ट से उसको चेक कराया जाए कि साहब इस पत्थर की आयु कितनी है, इसको किस लिए है, ये किस किस पर्पज से यहाँ पर है, सारी चीज की अभी रिपोर्ट आनी है। ठीक है।